ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः संप्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। जगदंकुरकंदाय सच्चिदानंदमूर्तये गलिताखिलमेदाय कलिताखिलभेदाय नमः शांताय विष्णवे। यद्बोधादिदं भाति यद्बोधाद्विनिवर्तते नमस्तस्मै परानंदवपुषे परमात्मने अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने नमस्सदैकरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। यदज्ञानप्रभावेण दृश्यते सकलं जगत् यद्ज्ञानाच्छ्रेय आप्नोति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनां साविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोगों ने कल गुरुओं के कितने रूप हैं इस बारे में चर्चा सुनी। शिक्षक से लेकर के उपाध्याय, अध्यापक, आचार्य, गुरु और देशिक, गुरु की भी अनेक भूमिकाएं हैं और अपनी अलग अलग भूमिका के कारण गुरुओं के नाम भी प्रकार भी अलग अलग है। परम गुरु वो जो सब संदेह का निर्मूलन कर दे और हमारे मन से जन्म मृत्यु का जो भय है उसको निकाल दे, उसी को परम गुरु कहते हैं। हम लोगों ने परीक्षित राजा को उपदेश देने वाले, उनके मन से जन्म मृत्यु का भय निकाल देने वाले सुखदेव जी का भी इसी प्रसंग में स्मरण किया। अब आगे चर्चा गुरुओं की करना है। क्यों? इसलिए कि स्वामी जी गीता का श्रवण आप लोगों को करा रहे हैं। गीता का मतलब है सदुपदेश। सदुपदेश तो गुरुओं से ही हमको प्राप्त होते हैं, तो गीता का मतलब गुरु के वाक्य। इसीलिए जो गीता है वो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ संवाद है, जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, दोनों तरफ की सेनाएं सज धज करके युद्ध क्षेत्र में खड़ी हो गई थी, उस समय अर्जुन के मन में जो विचार आए उन विचारों का आशय यही था
कि युद्ध टाल दिया जाए, युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हत्या होगी, और किसकी हत्या होगी, जो हमारे परिजन हैं उन्हीं की। ये जो महाभारत का युद्ध है, ये तो भाई भाई का युद्ध था ना, इसलिए दोनों पक्षों में सगे संबंधी ही खड़े हुए हैं, और उन्हीं के बीच में युद्ध होने वाला था। अर्जुन के मन में ये बात आई कि अगर अपने सगे संबंधियों को मार करके, अपने गुरुजनों को मार करके ही हमको राज्य मिलना है, तो फिर ऐसे राज्य से क्या लाभ। किन्नो राज्य न गोविंद, किन सुखैर जीवित नवा, राज्य मिलकर के भी क्या होगा, सुख मिलकर के भी क्या होगा, और अगर हम युद्ध से बच करके जीवित रह गए तो ऐसे जीवन से भी क्या लाभ होगा, जिसमें सदा इस बात का मन में मलाल बना रहेगा कि हमने अपने नातेदारों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं को रणक्षेत्र में मार डाला। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि भीख मांग करके हम खा लें, राज्य की लालसा जो हमारे मन में है अब हम उसका परित्याग कर रहे हैं और युद्ध करने से विरत हो रहे हैं। भले सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं, अब इन सेनाओं को अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटा दिया जाए, युद्ध नहीं होगा। जब ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण, उनको ये विचार उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, देखो जिसको तुम आदर पूर्वक विचार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो विचार आदरणीय नहीं है, बल्कि आपके हृदय का मोह है जो बड़ा सुंदर रूप धारण करके बोल रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आपके ये सगे संबंधी, आप इनको सगा संबंधी कह रहे हैं, ये लोग भी क्या आपको सगा संबंधी कह रहे हैं? ताली एक हाथ से बजती है क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक दोनों तरफ से एक भावना का उदय नहीं होगा, तब तक एकता नहीं हो सकती। आप जिनको साला संबंधी, सगा संबंधी समझ रहे हैं, वो आपके प्राणों के दुश्मन बन करके सामने खड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि युद्ध के इस क्षेत्र से आप पीछे हट जाएंगे, पलायन कर जाएंगे? आप जब पलायन करने लगेंगे, पीछे हटने लगेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सामने खड़ी सेना आपके ऊपर हमला नहीं कर देगी? तो इसलिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निशितं रोहितन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये जो मित्र थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये मित्रता समाप्त हो गई। जैसे ही प्रसंग विचार का आया, मित्र मित्र बदल गए, अब मित्र मित्र नहीं रहा, अब एक शिष्य हो गया और दूसरा गुरु हो गया। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए जो श्रेयस्कर मार्ग है उसका उपदेश आप हमको करिए, आप हमको मित्र मत समझिए, जब थे तब थे, अब शिष्यस्ते हम आपका, आपके हम शिष्य बन गए। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो गुरुजन हैं शरणागत की रक्षा करते हैं, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, इसलिए हमारी रक्षा करिए, हमको सही मार्ग बताइए कि हम क्या करें, हम किं कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। एक मन कहता है कि युद्ध क्षेत्र में आए हैं, जो हमसे लड़ने के लिए आए हैं उनसे लड़ें, और दूसरा मन कहता है कि अरे अपने ही हैं, क्या इनसे लड़ना भिड़ना। तो ऐसी परिस्थिति जब बन गई तो वहां पर मित्र काम नहीं आया। जब हमारे सामने दोराहा आ जाता है, तिराहा आ जाता है, चौराहा आ जाता है, किधर जाएं इस बात का निश्चय हम नहीं कर पाते, ऐसे समय में मित्र काम नहीं आते, सगे संबंधी काम नहीं आते, ऐसे समय में अगर कोई काम आता है तो वह गुरु काम आता है। इसीलिए अर्जुन के मन में जब किं कर्तव्य विमूढ़ता आई तो मित्र काम नहीं आया,
बल्कि मित्र गुरु बना, गुरु बन के जरूर उनके काम आ गया और उनको श्रेय का मार्ग उसने प्रदर्शित कर दिया। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता पग पग पर हम लोगों को पड़ती रहती। अनेक बार ऐसा अवसर आता है जब हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, करें क्या क्या न करें, तो रास्ता बताने वाला कोई चाहिए, मार्गदर्शक। गुरु की एक भूमिका यह भी है कि वो सही रास्ता हमको बताए। इसलिए जब से ये सृष्टि चली है तभी से गुरु का महात्म्य बन गया है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात तब से ही लोगों को पता चल गई और तब से ही गुरुजन भी अपना काम कर रहे हैं और गुरुओं से उपकृत होने वाले शिष्य भी गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा आदर भाव समर्पण शरणागति दिखा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा बन गई। एक गुरु के बाद जैसे पिता पुत्र की परंपरा है, पिता होता है फिर पुत्र होता है, वही पुत्र फिर पिता बन जाता है, फिर वो पुत्र उत्पन्न करता है, फिर वो पुत्र पिता बन करके पुत्र उत्पन्न करता है। इस तरह से आपकी एक वंश परंपरा जैसे चल रही है, ऐसे ही आपके वंश को मार्ग दिखाने के लिए गुरुओं की भी परंपरा चल रही है। तो गुरुओं की हमारे यहाँ परंपरा है। वैसे तो अनेक गुरु हैं, हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर अनेक गुरुओं का उल्लेख है। जब जब किसी को धर्म संकट आया वहां पर मार्ग दिखाने के लिए कोई न कोई गुरु उपस्थित हुआ। अपने लोग उनमें से अनेक की चर्चा चातुर्मास्य के प्रसंग में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक मार्ग बना हुआ है उसकी चर्चा शुरू करते हैं। क्या मार्ग बना हुआ है? मार्ग ये बना है कि सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक और आज के बाद अंत तक जो हो चुके हैं और होने वाले हैं उन गुरुओं को पहले प्रणाम किया जाए। तो सबसे पहला गुरु कौन इस संसार में, सबसे पहला गुरु कौन था जिसने किसी शिष्य को उपदेश किया, यही प्रश्न हम लोगों के सामने है। जो पहला गुरु है आदि गुरु, उसी आदि गुरु को नमस्कार करके अपने लोगों को आगे चलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ परंपरा का, जब हम गुरुओं की परंपरा का स्मरण करते हैं तो एक श्लोक के माध्यम से स्मरण करते हैं। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का हम वंदन करते हैं। कैसी है गुरु परंपरा का? जिसके आदि में नारायण है, नारायण समारंभाम, नारायण से जो आरंभ होती है, सूची जब बनती है तो सबसे पहला नाम भगवान नारायण का लिखा जाता है, माने नारायण आदि गुरु, उन्हीं से गुरु परंपरा चली। शंकराचार्य इस परंपरा के मध्य में आते हैं और आज के हमारे जो आचार्य हैं अस्मदाचार्य, उन तक ये परंपरा नारायण से लेकर के चली आ रही है। उस पूरी गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, यही इस श्लोक में बताया गया है। इसी श्लोक का थोड़ा सा विस्तार करने वाला एक दूसरा श्लोक भी है जो बड़े आदर के साथ परंपरा के लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। वो श्लोक है नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। ये श्लोक जो है वो भी नारायण शंकराचार्य और अस्मदाचार्य का वर्णन करता है, लेकिन बीच के अनेक और गुरुओं का भी नाम इसमें आ जाता है। वो कौन कौन से गुरुओं का नाम आता है? का सबसे पहले नारायणम, नारायण आदि गुरु। फिर उसके बाद पद्मभवम, पद्मभव का मतलब है कमल के ऊपर जिसका आविर्भाव हुआ, तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव माना जाता है।
लक्ष्मी जी तो कमल आसना है, आविर्भाव कमल में नहीं हुआ है उनका, कमल उनका आसन है। आविर्भाव तो ब्रह्मा जी का कमल में हुआ है, इसलिए वो पद्मभव कहलाते हैं। इसलिए पहले गुरु का नाम आया नारायण, दूसरे गुरु का नाम आया पद्मभव ब्रह्मा, और तीसरे वशिष्ठम। वशिष्ठ उसी परंपरा में आए। व्यासम शक्तिम, उसके बाद वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, फिर शक्ति के पुत्र पराशर, फिर पराशर के पुत्र व्यास, फिर व्यास के पुत्र सुखदेव, यहां तक एक के बाद एक परंपरा चली आई। और इस परंपरा के बाद गौड़पदम गौड़पादाचार्य, जिन्होंने मांडुक्य कारिका, मांडुक्योपनिषद पर कारिकाएं लिखी हैं, वेदांत शास्त्र के उद्भट विद्वान, उनका नाम इसी परंपरा में सुखदेव जी के बाद आता है, और गौड़पाद के बाद गोविंद पादाचार्य, जो कि भगवान पतंजलि स्वयं अवतरित होकर के उस रूप में आए थे, और उन गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य आप सभी जानते हैं, जिनकी परंपरा में होकर के हम लोग गौरवान्वित होते हैं, वे भगवान आदि शंकराचार्य। तो नारायण, नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद शक्ति, शक्ति के बाद पराशर, पराशर के बाद व्यास, व्यास के बाद सुखदेव, सुखदेव के बाद गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के बाद गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के बाद शंकराचार्य। ये परंपरा ऐसे चली आ रही है। इस परंपरा तक, परंपरा में एक के बाद एक गुरु हो रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आ गया जब लोगों की धारणा शक्ति कमजोर होने लगी। भगवान वेद व्यास को एक वेद के चार विभाग करने पड़ गए, क्योंकि एक वेद को धारण करने की सामर्थ्य उस समय तक लोगों में मेधा शक्ति नहीं रह गई, धारण नहीं कर सकते थे, तो उनकी बुद्धि की न्यूनता को देखते हुए एक वेद के चार भाग व्यास जी ने कर दिए और चार शिष्यों को पढ़ा दिया। पहले एक ही वेद था, फिर उसके चार भेद हो गए, ऋग यजु साम और अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, तो चार वेद हो गए, तो उनके रक्षक भी चार की आवश्यकता पड़ गई। उसके पहले वेद एक था, इसलिए एक गुरु हो रहे थे और वही वेदों की रक्षा कर रहे थे, वेद माने ज्ञान। लेकिन जब वेद चार हो गए तो चार उनके रक्षकों की भी आवश्यकता पड़ी, तो फिर भगवान शंकराचार्य जी ने चार शिष्य तैयार किए और चारों को चार दिशा में बैठाया, और चार दिशा में बैठा करके कहा कि चारों दिशाओं में एक एक वेद की बैठ करके रक्षा करो। तो जो हमारा यज्ञ मंडप होता है, वो यज्ञ मंडप जब आपने देखा हो कहीं बना हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ चार दरवाजे होते हैं, चौकोर बनती है यज्ञशाला, बीच में कुंड होता है, एक तरफ में मुख्य वेदी होती है, चारों तरफ में दूसरी वेदियां होती हैं, और चारों तरफ दरवाजे होते हैं। तो यज्ञशाला के जैसे चारों तरफ चार दरवाजे होते हैं, उन चार दरवाजों पर चार वैदिक द्वारपाल विराजमान होते हैं। पूर्व की ओर में ऋग्वेद के जानने वाले विद्वान बैठते हैं, पश्चिम की ओर सामवेद के जानने वाले विद्वान विराजमान रहते हैं, इसी तरह से दक्षिण की ओर यजुर्वेद के ज्ञाता विद्वान और उत्तर की ओर अथर्ववेद को जानने वाले विद्वान विराजते हैं। तो जैसे यज्ञशाला में चार दरवाजे चार दिशा में होते हैं, चारों दिशाओं के चार वेदों के जानकार विद्वान जैसे उन द्वारों में द्वारपाल बनते हैं, उसी तरह से भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को यज्ञशाला मान लिया, और पूरे भारत को यज्ञशाला मान करके भारत की चार दिशाओं में चार आमनाय मठों की स्थापना की। आमनाय का मतलब होता है वेद, आमनाय ये उसका वेद का ही एक और पर्यायवाची नाम। तो आमनाय पीठों की
स्थापना कर दी, माने वेद पीठों की स्थापना कर दी। ये जो शंकराचार्य जी के चार पीठ हैं, ये चार वेदों के पीठ हैं। पूर्व में गोवर्धन मठ, वहां पर ऋग्वेद का आमना है, पूर्वामना है। पश्चिम में शारदा मठ सामवेदी, उत्तर में ज्योतिर्मठ अथर्ववेदी, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद का पीठ। इस तरह से चार दिशाओं में चार मठ बना करके चार वेदों की रक्षा का भार अपने चार शिष्यों को सौंपा। उन चारों के नाम हैं श्री शंकराचार्यम अथ अस्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम। पद्मपाद, हस्तामलक, तोटकाचार्य और वार्तिककार सुरेश्वराचार्य, ये चार शिष्य उनके बने। इन चार शिष्यों को उन्होंने बनाया तो उनके बाद से चार गुरु हो गए। चार गुरुओं की चार दिशा में परंपरा चलने लगी, और चार दिशाओं में चार गुरुओं की जो परंपरा है वो आज भी चली आ रही है। तो चार गुरु नहीं हो सकते, गुरु तो एक ही होंगे, लेकिन हम जिस दिशा से अपने आप को संबद्ध करेंगे वहां का जो गुरु है वही हमारा गुरु माना जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य के बाद उनके चार शिष्य बने, और उन चारों की परंपरा आज भी चल रही है, जिनमें से उत्तर के ज्योतिर्मठ अथर्ववेदीय मठ और पश्चिम के सामवेदीय शारदा मठ के जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा में अपने परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज इस समय विद्यमान हैं। इसलिए अस्मदाचार्य कहने का मतलब है हमारे समय के आचार्य, हमारे आचार्य, वहां तक गुरु परंपरा आती। तो इतने नाम परंपरा में परिगणित किए गए। तो जो नाम गिने गए हैं उन नामों के गुरुओं के बारे में भी हम लोगों को जानना। नारायण समारंभा, नारायण से आरंभ हो रहा है तो नारायण गुरु हो गए। नारायण कैसे गुरु हैं, किनको उन्होंने उपदेश किया, कौन कौन से शिष्य उन्होंने बनाए, कौन से ग्रंथ लिखे, ये सब हम लोगों को जानना। इसी तरह से ब्रह्मा अगर गुरु हैं तो किनको उन्होंने शिष्य बनाया, किसको क्या उपदेश किया, उनके उपदेशों का क्या हमारे जीवन में प्रभाव है, ये जानना है। और इसी तरह से परंपरा के सभी आचार्यों को जानना पड़ा। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न हो जाती है, जैसे ही हम हाथ जोड़ करके अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं नारायण समारंभाम, वैसे ही कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं महाराज आप कह रहे हैं नारायण समारंभाम, हम लोगों ने तो कहीं पर सुना, कोई लोग बोलते हैं सदाशिव समारंभाम, सदाशिव से शुरू होने वाली जो गुरु परंपरा है। कई लोग इसी श्लोक को सदाशिव समारंभाम कह करके शुरू करते हैं, और फिर बीच में उनके अपने जैसे रामानंद के जो लोग हैं, रामानंदी लोग, वो कहते हैं सीतानाथ समारंभाम, रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम, वंदे गुरु परंपरा। तो कोई कहता है नारायण समारंभाम, कोई कहता है सीतानाथ समारंभाम, कोई कहता है सदाशिव समारंभाम। तो असल में किससे आरंभ हुई है आपकी गुरु परंपरा, कि कई गुरु परंपराएं हैं, एक इनसे शुरू हुई, एक इनसे शुरू हुई, एक इनसे शुरू हुई। क्या ऐसा भी समय था कि एक ही समय में कई गुरुओं ने मिलकर के अपनी अपनी परंपरा शुरू कर दी, ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता। तो ऐसा प्रश्न उठे तो उसको लंबे समय तक अपने मन में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, समाधान कर लेना चाहिए अपने मन के प्रश्नों का। और समाधान यह है कि ये केवल नामांतर है, केवल नाम का अंतर है, तत्व का कोई अंतर नहीं है। ये जो नारायण नाम से आरंभ परंपरा का बताया जा रहा है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई उस तत्व को नारायण नाम देता है। तो जो परम तत्व है
आदि गुरु उसको नारायण कहता है, वो कहेगा नारायण समारम्भ। जो उस तत्व को सदाशिव मानता है, तत्व वही है, सदाशिव के रूप में जो उसको जानता मानता है, जब वो शुरू करेगा तो कहेगा सदाशिव समारम्भ। इसी तरह से वही तत्व है, कोई उसको राम के रूप में समझता है तो वो सीतानाथ समारंभ हम कह देगा, कोई कृष्ण से आरंभ समझता है तो कोई श्री कृष्ण समारंभ हम कह देगा। तो नाम अलग अलग ले लेने से तत्व का अंतर नहीं हो जाता। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, कोई आपको भैया कह के बुलाता है, कोई आपको पिताजी कह के बुलाता है, कोई आपको बेटा कह के बुलाता है, कोई एजी ओजी कह के बुलाता है, तो कई लोग कई नामों से आपको बुलाते हैं, तो कई नाम सुन करके ये कोई शंका करने लगे कि आप कई हैं तो ये नादानी ही तो है। ऐसी नादानी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तत्व एक ही है, गुरु तत्व जिसने उपदेश प्रारंभ किया, जिसकी गुरु परंपरा आज तक चल रही है, नामांतर उसके कई हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में परम तत्व को अलग अलग नामों से कह दिया गया। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं अथवा भगवान विष्णु का को केंद्र में रख करके जो शास्त्र प्रवृत्त होते हैं कुछ बताने में, वो उस आदि तत्व को नारायण के नाम से, विष्णु के नाम से कहते हैं। जो परम तत्व है, नारायणोपनिषद पढ़िए, नृसिंहोपनिषद पढ़िए, महानारायणोपनिषद पढ़िए, महोपनिषद पढ़िए, अरे विष्णु पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़िए, तो क्या मिलेगा? जो परम तत्व है उसको कोई नारायण कहेंगे, कोई विष्णु कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विष्णु को ही केंद्र में रख करके अपनी बात कह रहे हैं। इसी तरह से आप शिव पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे, श्वेताश्वतरोपनिषद पढ़ेंगे, रुद्राष्टाध्यायी आदि पढ़ेंगे, तो क्या होगा? वहां शिव जी का प्रसंग है, इसलिए उस परम तत्व को सदा शिव के नाम से वहां पर कहा गया। तत्व ये कही है। इसी तरह से रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो वो कहेंगे कि जो परम तत्व है वो राम ही हैं और कोई नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो कहेंगे कि कृष्ण ही परम तत्व हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे परम तत्व तो देवी ही हैं, वही सबसे परात्पर हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, उन्हीं से सबका आविर्भाव हुआ है। तो बात यह है कि एक परम तत्व है, उसी परम तत्व से सब कुछ उपजा है, उस परम तत्व को अपनी अपनी दृष्टि के कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत जो है सत्य वस्तु वो एक है। विप्रा बहुधा वदन्ति, जो विप्र हैं ब्राह्मण विद्वान वो उसको बहुत तरीके से बोलते हैं, कई नामों से पुकारते हैं, उनके कई नामों से पुकारने मात्र से वो वस्तु कई नहीं हो जाती है। तत्व एक ही है, उसके नाम और रूप, लीला और धाम अलग अलग हो गए, और इसीलिए नामांतर के कारण लोगों को भ्रम होने लगता है कि ये कई हैं, वास्तव में कई है ही नहीं है। इसलिए कोई सीतानाथ समारंभाम कहे, कोई सदाशिव समारंभाम कहे, या कोई नारायण समारंभाम कहे, तो भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि उसी परम तत्व आदि तत्व के बारे में ये कह रहा है, जिससे ज्ञान का उपदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ। और वो तत्व कौन है? वही गुरु तत्व है, जिसमें गुरु तत्व विद्यमान है, वही तो गुरु है। बिना गुरु तत्व की विद्यमानता के कोई गुरु कैसे हो सकता है? जिसमें जलाने की शक्ति है वही तो आग है,
जिसमें जलाने की शक्ति ही ना हो वो आग नाम से कही जा सकती है? वो कैसी भी वस्तु हो आग नहीं कही जाएगी। आग उसी को कहेंगे जो जला सके। इसलिए गुरु कौन? अपना नाम गुरु रख ले वो गुरु नहीं जिसमें गुरु तत्व हो, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति हो गई हो और जिसमें ज्ञान अपने ज्ञान से दूसरे को उपकृत करने की भावना हो। क्योंकि बहुत से लोग ज्ञानी हो जाते हैं लेकिन ज्ञानी होने के बाद ज्ञान देने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। जब ज्ञान देने का अवसर आता है तो वो पीछे हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपना सिर अंदर की तरफ खींच लेता है, ऐसे ही कई ज्ञानी ज्ञान देने का अवसर आने पर अपने आप को अंदर खींच लेते हैं कि नहीं नहीं भैया हम नहीं बता सकेंगे। उनको डर लगता है कि हम बता देंगे तो हमारा ज्ञान चला जाएगा। चला नहीं जाता। ये जो ज्ञान का खजाना है इसकी रीत ही उल्टी है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। ये सरस्वती देवी, ये आपका खजाना तो बड़ा गजब का है। आपके जैसी ही एक और देवी हैं लक्ष्मी जी, उनका भी खजाना है। हमने देखा बहुत से लोग उसी खजाने की इच्छा करते रहते हैं कि हमको लक्ष्मी जी का खजाना मिल जाए, लेकिन उस खजाने में और आप वाले खजाने में बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या? जमीन आसमान का अंतर है, कह नहीं सकते, बिल्कुल विरुद्ध। क्या है कि लक्ष्मी जी का जो खजाना है उसको अगर खर्च करने लगो तो जितना खर्चोगे उतना ही खत्म हो जाएगा। खर्च करने से खत्म होता है। और सरस्वती देवी का खजाना, ज्ञान का खजाना का व्यय तो वृद्धि मायाति, इसको तो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। तो जो जितना ज्ञान बांटेगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान बांटने की वस्तु है, ज्ञान अपने पास संजो करके रखने की वस्तु नहीं है। आप देखिए अग्नि का गुण, अग्नि में दाहकता है तो जैसे ही कहीं पर अग्नि उत्पन्न होती है उसके अगल बगल में जाओ तो आपको गर्मी महसूस होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बांटने की शक्ति है, अपने अंदर जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए लालायित है, तत्पर है। इसलिए अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। सरस्वती देवी का जो खजाना है वो खर्च करने से बढ़ता है, और अगर कोई चाहे कि खर्च न करें जरा संजो के रख लें तो संजो के रखते ही नष्ट हो जाता है। ये भी खास बात है। जैसे बीज है, बीज को अगर आप खेत में डाल दें तो जाने कितने और बीज पैदा कर देगा, और अगर उसको घर में रख लें एक दो साल तो ठीक रहेगा, उसके बाद उसमें उत्पादन की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो उसको फेंकते रहो, बीज को जितना मिट्टी में फेंकते रहोगे उतना ही वो बढ़ता रहेगा, और जितना उसको संजो के रखोगे उतना ही उसकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। एक दिन पता चला कि कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही सरस्वती का खजाना है, बांटते रहो बांटते रहो। तो ज्ञान खल, जो लोग विद्यावान होकर के भी दूसरे को विद्या नहीं देते उनको ज्ञान खल कहा गया है। भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के प्रसंग में भागवत जी में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि सा देव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो देवकी माता हैं, देवकी माता अब भगवान को आप अपने सामने प्रकट देखने वाली, लेकिन उनका तेज कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है।
कि इनके गर्भ में बालक आ चुका है। शोभायमान गर्भिणी जैसी शोभा देवकी जी की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो अलग प्रसंग है, लेकिन यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही वो शोभायमान नहीं हो रही हैं जैसे ज्ञान खल में विद्या शोभायमान नहीं होती। जैसे किसी घड़े के अंदर दिया रख दो तो बाहर उसका प्रकाश नहीं फैलता, ऐसे देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हैं लेकिन उनका प्रकाश बाहर नहीं फैल रहा है। ठीक उसी विद्वान की तरह जो विद्या प्राप्त करके भी उसको फैलाता नहीं है। तो ज्ञान दान की वस्तु है और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, इसीलिए आदि गुरु बन गए, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। और कैसे दिया ज्ञान, तो बताया है कि भगवान श्री विष्णु जब कल्प माने सृष्टि का आरंभ होता है तो वो सृष्टि की रचना करते हैं। उपनिषद कहते हैं, श्रुति कहती है, एको हम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, और ऐसा सोच करके सह तपो अतप्यत उन्होंने तपस्या की। तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत, तपस्या करके ये सारा संसार उन्होंने रच दिया। यस्य ज्ञानमयं तपः, उनकी तपस्या ज्ञान की तपस्या है। यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसीलिए उनका नाम विष्णु है। वेवेष्टि इति विष्णु, विश्व प्रवेशने धातु से विष्णु शब्द का निर्माण होता है जिसका मतलब है प्रवेश करना। तो भगवान ने क्या किया, सब में प्रविष्ट हो गए। नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूपा रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। समस्त भूतानाम आदि भूताय, सब प्राणियों में प्रथम प्राणी वही हैं। तो चाहे गुरु के रूप में लो चाहे शिष्य के रूप में, पहले तो वही है, उन्हीं से सब बात आगे बढ़ती है। तो तत्सृष्ट्वा, आदि होकर के उन्होंने इच्छा की, इच्छा करने से सृष्टि प्रकट हुई, और सृष्टि को प्रकट करके उसी में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसी में सबसे पहले प्रवेश कर गए। प्रवेश कैसे किया, ऐसे प्रवेश की जैसे आप अपने गृह प्रवेश करते हैं, घर बना के उसमें एक दरवाजा बनाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, पंडित जी को बुला करके विधि संपन्न कराते हैं, और फिर जैसा आचार्य का निर्देश होता है दाहिना पांव आगे करके अपने इष्ट देवता को अपने हाथ में गोद में बिठा करके आप बड़े शुद्ध मन से घर में अपना चरण रखते हैं, दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा प्रवेश यहाँ नहीं विवक्षित है कि जैसे कोई घर में प्रवेश करता है, सृष्टि को बना करके उसमें उन्होंने प्रवेश किया, तो घर में प्रवेश जैसे नहीं बल्कि ज्ञान के रूप में प्रवेश कर लिया, क्योंकि वो ज्ञानात्मा है। तपस्या के द्वारा उन्होंने सृष्टि की रचना की, वो तपस्या क्या थी, वो तपस्या इंद्रियों और शरीर को तपाने वाली तपस्या नहीं थी, वो तपस्या यस्य ज्ञानमयं तपः, ज्ञानमय तप था उनका। उस ज्ञानमय तप के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया, सबको ज्ञानी बना दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। जैसे झूले पर आप बैठ जाते हैं तो झूला झुलाने वाला कैसे घुमाने लगता है, वो एक ही जगह पे केंद्र में खड़ा रहता है, वहीं से तीली को पकड़ के दबाता है और धीरे धीरे झूला तेजी से चलने लग जाता है। तो आप तो खूब घूमते हैं और वो नहीं घूमता, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। उसी तरह से परमात्मा ने सबके अंदर ज्ञान का प्रवेश करा दिया, सबको ज्ञानी बना दिया, और उन्हीं के बनाए गए ज्ञानी होने के कारण हम में भी कुछ न कुछ ज्ञान विद्यमान है। जो आज के हमारे गुरु हैं,
हमारे अंदर के उसी ज्ञान को उद्दीप्त करते हैं। इसीलिए कोई गुरु आपको ज्ञान दे नहीं सकता। ज्ञान देने की चीज ही नहीं है कि हम आपको उठाएं और दे दें, या फिर सिल लोढ़ा लेकर के या मिक्सी लेकर के पीस करके पानी में मिला करके आपको पिला दें शरबत की तरह। ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है। कैसी वस्तु है? ज्ञान आपके अंदर पहले से भगवान का दिया हुआ है। भगवान ही ज्ञान के रूप में प्रविष्ट हैं आप में। आपका जो ज्ञान है वो आपके अंदर आकर के सो गया है। अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही है, वो अनुकूल परिस्थिति दे करके आज के हमारे गुरुजी उसको उद्दीप्त कर देते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था, आपकी माता चूल्हे में जो छोटी सी आग है उसको जैसे फूंक फूंक करके बड़ी आग बना लेती है, उसी तरह से आपके गुरु भी आपके अंदर के ज्ञान को फूंक फूंक करके उद्दीप्त कर देते हैं और उसी ज्ञान को बहुत बड़ा बना देते हैं। इतना बड़ा बन सकता है आपका ज्ञान कि उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति मिले, ठीक से फूंक लगे तो सब काम हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो भगवान हैं निरुपाधिक चैतन्य, वो सबसे पहले उपाधि धारण करते हैं। और उपाधि क्या है? माया की उपाधि। जो शुद्ध सत्वात्मिका माया है उस माया की उपाधि धारण करके सत्वगुणी माया को वश में करके वो इच्छा करते हैं, क्योंकि जो विशुद्ध चैतन्य है उसमें इच्छा का भी होने का कोई प्रसंग नहीं है। जब वो माया वशीभूत होता है, संभवाम्यात्म मायया, अपनी माया से ही संभूति होती है, तब वो इच्छा करता है एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं। जो सदसद विलक्षण अनिर्वचनीय माया है उसको वश में करके निष्काम होने पर भी परमात्मा सकाम जैसा व्यवहार करने लग जाता है, इसी का नाम है उसकी इच्छा, तदैच्छत, उसने इच्छा की। तो इच्छा क्या की? उसको इच्छा करने की जरूरत नहीं। माया के द्वारा आपको दिखने लगता है कि उसने इच्छा की, आप कहते हैं उसने इच्छा की। किसने इच्छा की? उसी ने इच्छा की जिससे आकाशादि पंच महाभूत उत्पन्न हुए। एक से अनेक कैसे हो गया? जैसे आप एक से अनेक हो जाते हो। कैसे आप एक से अनेक कैसे होते हो? देखो, आप जागृत अवस्था में एक हो, जिस समय जाग रहे हो उस समय आप एक हो, जो हो वही हो, लेकिन जैसे ही आप सोते हो सपने में जाने क्या क्या आप ही हो जाते हो। कभी राजा हो जाते हो, कभी रंक हो जाते हो, कभी घोड़ा हो जाते हो, कभी गधा हो जाते हो, कभी बच्चा हो जाते हो, कभी बेटा हो जाते हो, कभी बाप हो जाते हो, कभी मर जाते हो, कभी जी हो जाते हो, जाने क्या क्या हो जाते हो। हो जाते हो कि नहीं? आप तो एक ही हो। जागृत अवस्था में आप एक हो। जैसे जागृत अवस्था के एक आप स्वप्नावस्था में अनेक हो जाते हो, वो जो स्वप्नावस्था है उसमें क्या होते हो क्या ना होते हो, कह भी सकते हो कि हो गया? लोग बताते ही हैं कि मैं तो ये हो गया था आज, मैंने तो ये सपने में कर दिया। वास्तव में क्या किया? कुछ नहीं किया। ऐसे ही परमात्मा माया सबलित होकर के, मायोपाधिक होकर के एक से अनेक हो जाता है। और हमने बताया कि उसने तपस्या की, उसकी जो तपस्या है वो तपस्या ऐसी नहीं है कि हड्डी खाना पीना छोड़ दिया, इंद्रियों को शरीर को सुखा दिया, ऐसा नहीं। तो कैसा? यस्य ज्ञानमयं तपः, उनका तप ज्ञानमय तप है। तो वो तप क्या है? का उन्होंने समाधि लगाई, ध्यान में अवस्थित हो गए, और ध्यान में अवस्थित होकर के पूर्व कल्प के जो प्राणी थे, जब प्रलय हुआ था उस समय जो प्राणी थे उन सबके कुछ न कुछ पुण्य, कुछ न कुछ पाप रह गए थे जिनका परिणाम अभी उनको नहीं मिला था। तो पूर्व कल्प के, पूर्व सृष्टि के प्राणियों के पूर्व कर्मों का ध्यान भगवान ने किया,
और ध्यान करके जिसका जैसा था पुनः उनको स्मरण हो गया ज्ञान के माध्यम से, और फिर उसी के अनुसार की सृष्टि उन्होंने कर दी। जिसके पाप ऐसे थे कि उनको पेड़ बनना था, उनको पेड़ बना दिया। जिनके पाप ऐसे थे, क्योंकि कई पापों में बताया गया है, गुरुम होंकृत्य तुंकृत्य विप्रान निर्जित्य बाधतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृद्धोपसेवितः। जो व्यक्ति अपने गुरु को डांटता है, फटकारता है, एक वचन में बोलता है, सभा के सामने उनको अपमानित करता है, वो श्मशान का वृक्ष बनता है। श्मशान के वृक्ष की दो समस्या है। एक समस्या ये है कि उसको हर समय आँच में रहना पड़ता है, क्योंकि श्मशान में हर समय चिता जलती रहती है, तो कभी इधर की हवा होती है, कभी उधर की हवा, तो चिता की जो लपट है वो हर समय उसको वृक्ष को लगती रहती है, तो हर समय उसको पीड़ा। इतना ही नहीं, और जो वृक्ष हैं वो तो किसी के घर के सामने होते हैं तो कोई पानी पीने से देता है, कभी उसके नीचे महात्मा बैठ करके सत्संग करने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। श्मशान का जो वृक्ष है उसमें तो अच्छे वाले पक्षी भी नहीं आते, उसमें तो मांसाहारी गीद कौवे यही आकर के बैठते हैं। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसे ही बहुत कर्म विपाक बताया गया है, तो अलग अलग कर्मों के अलग अलग विपाक हैं, परिणाम हैं। उन कर्मों के परिणाम स्वरूप अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख। कोई वृक्ष बनता है, कोई नदी बनता है, कोई पत्थर बनता है, कोई पहाड़ बनता है, कोई कीड़े मकोड़े बनता है। ये सब कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवात्माएं बनती हैं। तो भगवान का तप क्या है? ध्यान करके पूर्वकल के प्राणियों के कर्मों को पुनः ताजा करना और तदनुसार सृष्टि निर्मित कर देना। यस्य ज्ञानमयं तपः, यही उनका ज्ञान है, यही उनकी तपस्या है। और फिर जब बना दिया तो बना करके अपने कर्मों से पार पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अन्यथा कर्म में ही पड़ा रह जाएगा, कभी उसका मोक्ष ही नहीं होगा। मोक्ष हो जाए इसके लिए कुछ ज्ञान की भी आवश्यकता है, ये सोच करके कृपालु परमात्मा ने तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ज्ञान के रूप में उसमें प्रवेश कर लिया, सबको ज्ञानी बना दिया। और प्रवेश जैसे घर में हम घुसते हैं ऐसे नहीं है, जैसे महाकाश घटाकाश बन जाता है उस रूप में प्रवेश। जैसे महाकाश, ये बहुत बड़ा आकाश है, जितना खाली जगह है सब आकाश ही है। जैसे कुमार घड़ा बनाता है तो जैसे ही घड़ा बन के तैयार होता है, घड़े के अंदर का जो खाली जगह है उसको घटाकाश की संज्ञा हो जाती है। अभी तक वो महाकाश था, अब वो घटाकाश हो गया। जैसे ही घड़ा बना, घड़े के अंदर खाली जगह निर्मित हो गई, जैसे ही कुआं खुदा उसमें खाली जगह बन गई। खाली जगह बनने का मतलब उसमें आकाश भर गया। तो जैसे महाकाश घटाकाश बन जाता है, उसी तरह से भगवान घट घट के वासी बन जाते हैं। इन्हीं भगवान को कोई शुद्ध चैतन्य कहता है, कोई माया शबल ईश्वर कहता है। यही भगवान महावैकुंठ में अष्टभुजी महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं, यही भगवान वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु बन जाते हैं, यही श्वेत द्वीप में विराजमान रहते हैं, यही क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोए दिखाई देते हैं। यही भगवान हैं जो कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वाराह, कभी मत्स्य, कभी जाने कौन कौन से रूप धारण करके हम लोगों को दर्शन दे देते। यही भगवान हैं जिनको ब्रह्म, जिनको सदाशिव, जिनको अनेक दूसरे नामों से भी अभिहित किया जाता है। यही भगवान जब जीवों के अंतःकरण में उसके पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म की वासनाएं पूर्व प्रज्ञा के अधीन होकर बैठते हैं, तब इन्हीं भगवान की जीवात्मा अथवा चिदाभास संज्ञा हो जाती। और यही भगवान प्रत्यक्ष चैतन्य कहलाते हैं। यही भगवान अनेक और रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, जिसमें
इस बात की भी बड़ी सुंदर चर्चा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जो परब्रह्म परमात्मा है, आज हमसे एक व्यक्ति प्रश्न प्रबोध में पूछ रहे थे कि अल्लाह और ब्रह्म इन दोनों में कोई अंतर है कि दोनों एक ही हैं? तो हमने उनको बताया कि भैया अल्लाह अल्लाह है और ब्रह्म ब्रह्म है। ये जो कोई चौपाई गाई जाती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये ईश्वर ईश्वर है और अल्लाह अल्लाह है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है वो निर्गुण भी है, निराकार भी है, माया सबल होने पर सगुण साकार भी हो जाता है, और उनका अल्लाह निर्गुण निराकार नहीं है। निराकार तो है लेकिन निर्गुण नहीं है। वो कहते हैं कि वो रहम करने वाला है, दयालु है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, वो नेक है, वो दयालु है। तो माने ये तो गुण विशेष हो गए। और फिर कहते हैं उसका बड़ा अजाब है, वो बहुत कठोर दंड देता है। तो वो दंड देने वाला भी है, पुरस्कार देने वाला भी है, दयालु है। तो ऐसा देवता तो हमारे हिंदू धर्म में अगर ऐसे देवता के समान देवता खोजा जाए तो वो यमराज हैं। हमारे यहाँ के यमराज दंड भी देते हैं कर्मों के अनुसार और दया भी करते हैं। तो अल्लाह की बात अलग है, ईश्वर की बात अलग है, ब्रह्म की बात अलग है। ये जो ब्रह्म है ये निष्कल है, निरुपाधिक है, शुद्ध चैतन्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह करके इसका स्वरूप लक्षण बताया गया है। और इसका तटस्थ लक्षण है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। ये ब्रह्म है तो तटस्थ लक्षण अलग वस्तु है, स्वरूप लक्षण अलग वस्तु है। स्वरूप लक्षण ही असली लक्षण है, क्योंकि तटस्थ लक्षण तो कभी कभी बदल भी जाता है। काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, ये तटस्थ लक्षण का उदाहरण है। किसी राही ने पूछा बैठे हुए व्यक्ति से, भैया देवदत्त का घर कौन सा है? तो उसने देखा पास में ही था वो घर, देखा तो कौआ बैठा था। तो राही को दिखा करके कहता है, वो देखो वो कौआ जिसकी मुंडेर पर बैठा है ना, वही देवदत्त का घर है। तो कौए को देखा, गया, देवदत्त मिल गया, लक्षण सार्थक हो गया। लेकिन दूसरे दिन फिर आया और घर लगभग एक ही जैसे बने हुए थे, तो फिर देखा काकवंतो देवदत्त से गृहम, लक्षण याद करके। अब कौआ तो हरदम थोड़े बैठा रहेगा, कल बैठा था फिर बाद में उड़ गया। अब दूसरे दिन जब जा करके राही ने देखा कि देवदत्त का घर कौन, कौआ कहाँ बैठा है, तो कौआ कहीं बैठा ही दिखाई नहीं दिया, तो वो ब्रह्म में समस्या में पड़ गया। तो इसलिए जो तटस्थ लक्षण है वो एक सीमा तक आपको वस्तु का परिचय करा सकता है, वास्तविक परिचय तो स्वरूप लक्षण ही कराता है। जैसे कोई नाटक हो रहा हो और एक ब्राह्मण बालक उसमें क्षत्रिय राजा की भूमिका निभा रहा हो, अब वो क्षत्रिय राजकुमार बन के मंच पे आया, क्षत्रियों जैसा कपड़ा पहने हुए है, क्षत्रियों जैसी बोली भाषा है, उठना बैठना है, सब दिखाया उसने, दिखा करके जाने लगा। जो दर्शक बैठे थे उन्होंने कहा, हाँ ये क्षत्रिय बालक है, देखो सब कुछ इसका क्षत्रिय जैसा है। तो ये तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण से वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, अब होगा भी तो बस किसी समय हो सकता है। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, आप इसको क्षत्रिय के रूप में देख जरूर रहे हैं, अभिनय के समय जरूर ये क्षत्रिय है जिस समय नाटक के अंदर, लेकिन वास्तव में तो ये ब्राह्मण है, क्योंकि स्वरूप लक्षण अगर देखेंगे, इसको स्वरूप से जानेंगे, तो ये तो ब्राह्मण का ही बालक है।
तो स्वरूप लक्षण कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो वेदत्रय से शून्य है, उसमें कोई भेद नहीं है, और सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। आनंद उसमें है नहीं, आनंद तो थोड़े समय के लिए हमारे आपके अंदर में भी आ जाता है, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं है। और जो परमात्मा है परब्रह्म वो आनंद स्वरूप ही है। तो वो जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वही माया की उपाधि धारण करके ईश्वर की संज्ञा, भगवान की संज्ञा प्राप्त करता है, और उसी का अवतार आदि हम लोग लीला आदि देखते हैं। नाम रूप लीला धाम सब उसी के काम है। जो परब्रह्म है निष्कल शुद्ध चैतन्य, उसके बारे में इस तरह से नहीं कहा जा सकता। वही आदि गुरु हैं, उन्हीं को कोई नारायण कहता है नारायण समारंभाम, कोई सदाशिव कहता है सदाशिव समारंभाम, कोई सीतानाथ कहता है तो सीतानाथ समारंभाम कह करके उन्हीं को आदि गुरु के रूप में याद करता है। तो आज हमने आपको इतना ही बताने का प्रयास किया कि गुरु की परम आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। जब से ये सृष्टि बनी है इसका विस्तार हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि इसके मूल में ज्ञान है। जिसको जितना ज्ञान है उतना ही उसका विकास हो पाता है, इसीलिए ज्ञान के मंदिर जगह जगह पे खुले हैं। लोग पैसा दे करके, समय दे करके, जी हुजूरी करके, सिफारिश करके भी अपने बच्चे को ज्ञान के मंदिरों में भेजते हैं कि जा करके हमारा बच्चा भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। अब वो ज्ञान व्यवहार से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता परमार्थ के निकट तक पहुँचता है, वो बात अलग है। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान, पैसा तो पैसा, चाहे एक पैसा हो चाहे एक करोड़। पैसा संज्ञा तो दोनों की होगी ना, एक नया पैसा भी तो पैसा ही है। उसी तरह से ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे व्यवहार का हो चाहे परमार्थ का हो, और इस ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक से लेकर उपाध्याय, अध्यापक, आचार्य, गुरु और देशिक, ये क्रम चलते चले जाते हैं और अंततः उस गुरु की हमको प्राप्ति हो जाती है जिस गुरु के लक्षण में ये बताया गया है कि इस गुरु को ही परम गुरु कहा जाता है। ये जो गुरु है यही गुरु सच्चा गुरु है। ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और वो गुरु क्या है? सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयग्नो यह स गुरु परमो मतः। अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य मुक्तं निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवे देव देशिकः। परम गुरु और देशिक, ये दो परमार्थ के सिखाने वाले हमारे आचार्य हैं। हमको अपने शिक्षक से शुरू करके देशिक तक की यात्रा करनी है। अब जो जिस स्तर पर होगा उसी स्तर के गुरु से उसका साबका पड़ेगा। जिसको अभी अक्षर ज्ञान नहीं है वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, उसको तो पहले अक्षर सीखना पड़ेगा। जिसको अक्षर ज्ञान हो गया वो ग्रंथ तो पढ़ सकता है लेकिन ग्रंथ के मर्म नहीं जान पाएगा। ग्रंथ के मर्म वो जानेगा जो काव्य शास्त्र का अभ्यास करके बातों के लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, शक्तियों को समझता हो। जब शब्द शक्ति को समझेगा तब शब्दों के मर्म को जानेगा, और शब्दों के मर्म को जानेगा तब कहीं कुछ उसका प्रवेश। ज्योतिष पीठ पंडित और श्री विद्या साधना के परम आचार्य, परम पूज्य महाराज श्री के अंतरंग शिष्य आदरणीय रविशंकर शास्त्री जी महाराज पधार चुके हैं, तो स्वाभाविक है, हमने पहले ही आपसे कहा था कि जब तक विद्वान वक्तागण मंच पर नहीं पधारते हैं तब तक हम अपना आपको सुनाएंगे। तो हमने कुछ बातें आपको सुनाई। भगवान नारायण आदि गुरु हैं। भगवान नारायण के क्या चरित्र हैं, उनका क्या स्वरूप है, और गुरु के रूप में भगवान नारायण क्या क्या उपदेश किन किन को कब कब देते हैं,
इन सब की चर्चा आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे, और उसी के बाद जो परंपरा है उस परंपरा के गुरुओं का भी क्रमशः स्मरण किया जाएगा। अब हम अनुरोध करेंगे आचार्य शास्त्री जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार हम लोगों के मध्य व्यक्त करें। भाई चौधरी जी गोटेगांव से, विभास जी और उनके साथ के चारों भाई एक साथ यहाँ पर आए हैं, करतल ध्वनि से उनका भी हम लोग स्वागत करें।